लेकिन हम दें किसको वोट, कोई अल्टरनेट जो है हमें नजर ही नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी से आप ना खुश नजर आ रहे? नहीं, आम आदमी पार्टी तो सिर्फ दिल्ली में ही है ना, बाहर तो कोई बेस नहीं है उसका। इवन हरियाणा से, पंजाब से जो आते हैं, वह केजरीवाल हरियाणा से आते हैं, वहाँ कोई नहीं है उनका बेस। ऐसा है, ईपी में योगी जी की सरकार है, वहाँ की जनता कहती है देखो दिल्ली में तो पानी फ्री, बस में फ्री, योगी तो यहाँ तो बिजली के पैसे भी देने पड़ते हैं, पानी के पैसे देने पड़ते हैं, वो तो योगी वहाँ की जनता खुद कह रही है केजरीवाल ठीक है, क्योंकि वो फ्री की राजनीति कर रहे हैं। मैम फ्री अच्छा नहीं रहता, अब मेट्रो फ्री कर रहे हैं, बस फ्री कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही तो ईमानदार नेता है जिसका नाम केजरीवाल है। मैडम जी, जो दिल्ली के अंदर अभी तक सही से पानी नहीं दे पा रहे, सही पानी नहीं दे पा रहे, आप आज सुबह की बता रहा हूँ मैं, पानी नहाने के लिए पानी, इतना गंदा पानी आएगा कि बदबू से बहुत, पीना तो बहुत दूर है, नहाने का भी दिल नहीं कर रहा, आप ये देख लीजिए। तो दिल्ली की जनता का मूड जानने के लिए फिलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर केजरीवाल को उन्हें 10 में से नंबर देने हो तो वो आखिर कितने नंबर देंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ताजुद्दीन है। जी ताजुद्दीन जी, कितने नंबर देंगे आप केजरीवाल जी को? 10 में से 11 नंबर देना चाहूंगा। 10 में से 11 नंबर? 10 में से 11 नंबर देना चाहेंगे? काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? कुछ नजर आने की बात है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही तो ईमानदार नेता है जिसका नाम केजरीवाल है। अच्छा। एक ही ईमानदार नेता है जिसका नाम केजरीवाल है, और वो दिल्ली के अंदर है, जिसने जो वादे किए थे वो सारे पूरे किए हैं, उसके बाद में वादों के बाद में भी ऐसे कुछ लोग उनको झूठा करार कर रहे हैं। नहीं, बहुत झूठा बोलना है, मैं ये चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर केजरीवाल की तरह झूठे पैदा हो और नेता केजरीवाल की तरह झूठे बनने चाहिए, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा झूठा है जिसने एक रुपया भी अपने हराम की कमाई इकट्ठी नहीं की है। जैसे ये नेता, ये आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? अरे ऐसे ऐसे बोलना है ना, उनके खाते, वो खुद बोलते हैं इस चीज को, मेरे खाता कोई भी चेक करा ले अगर मेरे एक रुपए का भी कहीं मैंने घोटाला। नेता तो हमेशा झूठ बोलते हैं ना? नेता झूठ बोलते, वो नेता नहीं है ना, वो हम में से है। अच्छा, वो हमारी आदमी है। वो हमारी जो कच्ची कॉलोनियां थी उसमें रहे हुए है, जहाँ सीवर नहीं थे, जहाँ नालियां नहीं थी, जहाँ पानी भरा रहा करता था, वो हम लोगों में से है। वो नेता नहीं है, वो नेता नहीं है, वो सेवक है। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपको केजरीवाल सरकार को 10 में से नंबर देना हो तो कितना नंबर दीजिए? जी वैसे अगर देखा जाए तो भैया 7 नंबर क्लियर है। 7? जी जी जी। तो क्या कुछ काम उनके आपको पसंद आए, क्यों जो है वो आप 7 नंबर? मतलब जो है, मतलब वो एक तरह से पूरी वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जो सकारात्मक बात है और सकारात्मक सोच के बाद दिल्ली वासियों के जो बाहर के व्यक्ति आए हुए जो लाचार हैं, थोड़े असहाय हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार ने जो मदद करी है, जैसे बिजली का है, पानी का है, महिलाओं को फ्री है, जो तो महिला 8,000 से लेके 12,000 15,000 कमा रही थी, उसका 1,015 का जो पास बनता था, 815 रुपये का जो पास बनता था, उसकी मतलब उसे वो फ़ायदा हुआ है। और दूसरी बात, मतलब बिजली का जो फ़ायदा हुआ है, और तीसरा ये कि अस्पतालों में जो उन्होंने कई जो भी उन्होंने नियम चलाए हैं, वो छोटी जनता, निम्न वर्ग के, मीडियम क्लास के लोगों के लिए फायदेमंद है। आपने महिलाओं की बात कही, ऐसा कई लोगों का कहना है, खासकर महिलाएं भी कुछ इस बात को कह रही हैं कि फ्री में बस कर देना ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट है, आप कितना सहमत हैं? देखिए, आपने सवाल किया तो केस टू केस जवाब होता है, अगर ये तो हर नेता की बात होती है, अगर पॉलिटिक्स के समय पर, चुनाव के समय पर, तो हर नेता कोई ना कोई, अब लोकसभा में कौन, राहुल गांधी ने 72,000 का इंश्योरेंस खोला था, उससे पहले मोदी जी ने 15 लाख का खोला था। जी तो ये तो गलत नहीं है, ये तो मौके मौके की बात है, सब अपना पंच मारना चाहेंगे और जनता के सामने अपने आप को हीरो गिरे दिखाएंगे और जनता का दिल जीतेंगे। हाँ, आप कुछ कहना, सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनवर खान। अनवर जी, पहले तो ये बताइए, केजरीवाल सरकार को अगर नंबर देना हो 10 में से तो कितना? 10 देंगे, काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात? खुश की बात नहीं है, काम की बात है, विकास की बात है। उन्होंने जो काम किया है, सराहने लायक काम किया है। उन्होंने जो प्राइमरी स्कूल, जिस बच्चे जो पढ़ने जाते थे, अच्छे स्कूलों में जाते थे, जो आज वही जो है प्राइमरी जो यहाँ के स्कूल है बच्चों, गरीबों की वही सुविधा वहाँ मिलने लगी। कुछ दिन पहले भी रिपोर्टिंग की थी इसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना था कि भैया उन्होंने कुछ कुछ स्कूल्स को जो है वो डेंटिंग पेंटिंग करा दी है, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है वो अभी तक सही नहीं हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? कोशिश जो उन्होंने किया है, अच्छा किया है, बिजली का लो, पानी का लो, गरीबों के हक की बात, गरीब नहीं, गरीब अमीर दोनों मीडियम सबके लिए जो उन्होंने किया है केजरीवाल ने, वो सराहने लायक है। और दिल्ली में जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास की, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और काम जो अच्छा करता है वो बदनाम होता है। तो
और पानी की जो है वो बहुत बड़ाई इस चीज को लेकर के केजरीवाल सरकार की होती है, लेकिन कई लोगों से बातचीत करने पर ये पता चलता है कि पानी जो है वो कई इलाकों में बहुत दूषित आ रहा है, तो पानी की व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, तो इस पर आप क्या? उसमें भी थोड़ा केंद्र सरकार भी देखे ना उसे। ये तो हाँ, दोनों देखो, दोनों हाथ से तालियां बजती हैं, एक हाथ से नहीं बजती है। अब आप नंगा करने में लगे हो, आपके उनके पोल खोलने में लगे हो कि गलत हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के माहौल में जो जनता के काम आवे वही नेता अच्छा है? उसमें मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि स्वाद की बात है, गरीब जनता बीएचएलडी के पानी नहीं पी पाएगा। नहीं, जिम्मेदारी सबकी बनती है। मैं ये कह रहा हूँ, पानी तो दिल्ली में खराब है तकरीबन, क्योंकि आप देखना, हर कोई व्यक्ति हर घर में 20 लीटर का एक जग आता है, वो लिया जाता है, 20 रुपए का या 10 रुपए का या 6 रुपए का, कोई आरओ मशीन से पानी भरवा के लाता है, कोई व्यक्तिगत अपने घर में आरओ लगा रखा है। तो लेकिन दिल्ली में 25% पानी खराब है। मेरा नाम जगबीर है। जगबीर जी, आप बताइए, अगर पहले नंबर देना हो आपको केजरीवाल सरकार, तो कितना नंबर दी? देखो, मैं तो आप 10 कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ पूरे 100 देना चाहिए। सौ पूरे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सरकार, एक तो केजरीवाल सीएम है दिल्ली के, पढ़े लिखे वो जनता को, जनता के बीच से निकले हुए हैं, सीएम बने हुए हैं वो, निकले हुए हैं, तो उस चीज़ का क्या है, जनता गरीब को क्या चाहिए? गरीब को चाहिए रोजगार, काम धंधा, बिजली, लाइट, और क्या चाहिए? और तो उनको नेता तो बनना नहीं है। अब उनको सब कुछ मिल रहा है तो वो सीएम को क्यों चेंज करेंगे? तो उनके लिए केजरीवाल, आप तुम स्कूल में चले जाओ, पहले स्कूल के नीचे कमरे होते थे, कम से कम 10-15 कमरे होते थे, जहाँ पे इन्होंने स्कूल में कमरे ऊपर बढ़ा दिए, जहाँ उन्होंने काम होता वहाँ काम बढ़ा दिए, जहाँ स्कूल बने वहाँ स्कूल बढ़ा दिए। गली में देख लो, आज हमारे पूरे दिल्ली के अंदर देख लो, लाइट नहीं, बिल्कुल एक घंटे के लिए भी लाइट नहीं जाती, 10 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाती। पानी हर इलाके में अच्छा आ रहा है पानी, हाँ, जहाँ पाइपलाइन है, जहाँ जैसे खजूरी हो गया, करावन नगर हो गया, वहाँ पाइपलाइन पुरानी पड़ी है, नीचे हैं, वो मकान सारे ऊँचे हो गए हैं, तो पाइपलाइन कई सालों पुरानी है, कई साल। अभी भी अगर अनाधिकृत कॉलोनी में हम चले जाते हैं तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है ना। जहाँ पे पानी वहाँ नहीं जा सकता, तो केजरीवाल ये यहाँ के विधायक हैं, वहाँ वो पानी का टैंकर भेजते हैं, और जो टाइम से आता है टाइम से भेजते हैं वो कैंप का, वो वहाँ का कोई विधायक कोई ऐसे शिकायत नहीं होगा, हर जगह सर्वे भी करते हैं, उनके सर्वे जाता है, कोई जनता परेशानी हो। आज आप देख लो, हर मोबाइल, हर एयरटेल ने और जितने रिलायंस वालों ने रिचार्ज पे पैसे बढ़ा दिए। अभी देखो, केजरीवाल ने आज के दिन में क्या वाईफाई फ्री कर दिल्ली के लिए कर दिया, 16 तारीख से वाईफाई दिल्ली के लिए फ्री हो जाएगा। वाईफाई फ्री कर दिया है, लेकिन आपको नहीं लगता पिछले 5 सालों में तो ये काम, क्योंकि जब उस समय वो आने वाले थे 5 साल पहले, उन्होंने ये वादा किया था वाईफाई फ्री हो जाएगा, लेकिन अब इस समय चुनाव के टाइम वाईफाई फ्री करना, ये कहीं पॉलिटिकल स्टंट नहीं लग रहा? आप ये देखो, जो अंबानी है जियो सिम लेके आया था, वो तो राजनीति में नहीं है, वो तो कोई नेता तो है नहीं मुख्यमंत्री, वो अपना जैसे किसी सामने वाले को, एयरटेल वाले को, अपना वाईफाई 500 रुपये में सिम निकाल सकते, तो वो अपना ऐड कर रहे हैं। अब उन्होंने पैसे क्यों बढ़ाए, तो जनता के लिए करा है उन्होंने, जनता के जो उन्होंने वाईफाई कराया, वाईफाई भी चलता है यहाँ पे। ये अपना मानना है कि 1 मिनट की कॉल 5 रुपये की कर देनी चाहिए सरकार को, क्यों? जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, हर कोई 2-2 घंटे लगा रहता है, जब भी मैं फोन करता हूँ बिजी है उसका। केजरीवाल सरकार को अगर आपको नंबर देना हो 10 में से कितना दीजिए? 6 नंबर। हाँ, तो क्या विकल्प लग रहा है, अगर इस बार आम आदमी पार्टी नहीं आती है तो क्या आ सकती, कौन सी पार्टी आ सकती? देखिए, बीजेपी के अलावा इस देश में कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं है उन्होंने, कोई है नहीं, कोई टावरिंग पर्सनैलिटी नहीं है उनके आगे, तो वोट दें किसको? मैं नहीं देना चाहता, जनता नहीं देना चाहती बीजेपी को, फिर सवाल मन में उठता, तो फिर दें किसको? तो वो अपोजिशन ही नहीं है यहाँ पर देने के लिए, आम आदमी पार्टी तो है ना? एक नेशनल पार्टी है जो है राहुल जी की, केजरीवाल को दुनिया उसको पप्पू कहती है, कैसे दे दें वोट? तो दुनिया कहती है ना सर, आपका अपना भी तो परसेप्शन होना चाहिए। दुनिया में मैं भी हूँ, आप भी हैं, ये कह रहे हो आप, मैं आपको बताऊँ, दुनिया राहुल को पप्पू कहती है, आप कह रहे हो अंकल को, राहुल को पप्पू कहती है, अब पप्पू पूरे देश में मोदी 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 हो रहा था, मोदी तो महाराष्ट्र में देख लो, हरियाणा में देख लो, ये कहते थे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये सरकार, ये से देश 70 साल से देश को लूट लिया, अब देश को कौन लूट रहा है? तो हम दें किसको? सही कह रहे हैं ये, लेकिन हम दें किसको वोट? कोई अल्टरनेट जो है हमें नजर ही नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी से आप नाखुश नजर आ रहे हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी तो सिर्फ दिल्ली में ही है ना, बाहर तो कोई बेस नहीं है उसका, इवन हरियाणा से, पंजाब से जो आते हैं, वह केजरीवाल हरियाणा से आते हैं, वहाँ कोई नहीं है उनका बेस। केजरीवाल जी को आप एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देख पाते? नहीं, अभी नहीं।
लेकिन जैसे कि बहुत से लोग हैं ना, बाकी पार्टीज को देखे जैसे बीजेपी कांग्रेस या जितनी पार्टीज हैं, कहीं ना कहीं राजनीति करती है, ठीक है ना, उनका जन्म ही मतलब लाइक राजनीति परिवार से या कहीं से ना कहीं से हुआ है, ठीक है, पर केजरीवाल जी सर के एक आम आदमी की तरह रहते हैं और एक आम आदमी की तरह लोगों की तरह काम करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। सबसे मेन मैं बात बोलूंगा ना, एजुकेशन पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सरकारी स्कूलों को लेके। स्टार्टिंग में केजरीवाल ने जो है वो धरना प्रदर्शन किया था, उससे पर उन्होंने कहा था कि वो राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन अब तो वो राजनीति में आ गए। अच्छी बात है ना, आगे तो एक अच्छा इंसान मिला ना राजनीति में, एक जो कुछ कर सकता है, कुछ एक उम्मीदें जगती हैं। अगर हम बाकी लोगों को देखें, लोग सत्ता के लालच में लोग क्या क्या करते हैं, अभी आप हरियाणा में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, जो सरकारें एक दूसरे को गाली दे देके कोई दे रही थी, उन्होंने गठबंधन बना के सरकार बना ली है, ठीक है, तो अब उससे अच्छा है कि एक अच्छा आदमी मिलेगा दिल्ली वालों को। मैं अभी लोग मेरे पे सवाल ही निशान उठाते हैं कि तू केजरीवाल का कर रहा है या उसका कर रहा है, पर इन सब का ना फाइनली आपको पता चल जाएगा जब क्या कहते हैं दिल्ली के इलेक्शंस होंगे ना, पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है और वापस केजरीवाल ही आएगा। तो एक आम आदमी को क्या फायदा मिला है केजरीवाल से? मैडम मैं बताऊं, भाई का जवाब दे रहा हूं, एक बार भाई की तरफ को कैमरा घुमा दो। भाई ने कहा था फ्री की राजनीति नहीं, फ्री की राजनीति अच्छी नहीं लगती और करनी नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर गरीब आदमी को बिजली फ्री मिल रही है तो इन भाई लोगों को दर्द होता है पेट में। ये बताइए, जो एमपी एमएलए जितने भी सरकार में मंत्री होते हैं, उनकी 27,000 यूनिट बिजली आने के बाद में जीरो बिल आता है, उनका जो है पानी का बिल नहीं आता है, उनका सिलेंडर का बिल नहीं आता है, उनको गाड़ियाँ फ्री दी जाती हैं, पेट्रोल फ्री दिया जाता है। जब ये करोड़पति फ्री ले सकते हैं तो आम जनता फ्री क्यों नहीं ले सकती, ये सवाल आप पर आ रहा है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि नेताओं लोगों को किसी को फ्री नहीं चाहिए, सबको फ्री की राजनीति बंद कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। एक चीज और पे ऐड करना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं डॉलर का रेट कम होगा, ठीक है, क्या कहते हैं आपके पेट्रोल के दाम कम होंगे, वो तो कम नहीं हो रहे। चलो कम से कम कुछ तो फ्री मिल रहा है, बेसिक चीज तो फ्री मिल रही है, इवन पेट्रोल और वो चीजों के दाम तो बढ़ रहे हैं, बढ़ाओ। कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं, आप बताइए सर, केजरीवाल सरकार को अगर नंबर देना हो 10 में से कितने दीजिए? 10 में से मुश्किल से 5 नंबर देने चाहिए, क्योंकि केजरीवाल सरकार काम तो कर रही है पर उनका काम सो नहीं हो रहा, मोदी सरकार सो नहीं हो रहा, वो फ्री दे रही है। एजुकेशन फील्ड में काफी काम किया गया ना, कुछ नजर नहीं आ रहा। एजुकेशन फील्ड में काम तो किया है, काफी स्कूल उन्होंने बनवा दिए हैं, काफी कॉलेज बनवाए हैं, काफी एजुकेशन प्रणाली में काफी अच्छा रिपोर्ट दिया उन्होंने, पर जो गरीब जनता है उसमें गरीब जनता को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि बिजली पानी सस्ती कर दी। आपने एजुकेशन के लिए बात करी है, एजुकेशन के लिए उन्होंने गरीब जनता के लिए इतने डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं कि आप आयकर से वो बनवा के लाओ, सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, ये बनवा के लाओ, पर इस सब में कुछ नहीं हो रहा। ये बनवाने के लिए अमीर जनता ही बनवा पाती है, अपना आपको ही पता है, और गरीब तो कहाँ धक्के खाएगी। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सर आप बताइए अगर सरकार को, केजरीवाल सरकार को आपको नंबर देना हो 10 में से तो कितने नंबर दीजिए? हम तो 10 नहीं देंगे, 10 में से 10 दीजिए। 10 नहीं देंगे। अच्छा, क्या कर रहे? इन्होंने जो भी काम किया बढ़िया कर रहे हैं, जो संतुष्ट है। हाँ संतुष्ट है जी। और कोई बताएगा सर, आप बताइए कितने नंबर दीजिएगा? 2 नंबर देंगे। 10 में से 2 नंबर, मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं दे रहे हैं। पानी तो उनके उसमें जा रहा है गंदा, ठीक है ना, जो सपोर्टर लोग हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ आप काम के ऊपर, ठीक है। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, हम लोग यहाँ पे बैग बेचते हैं, आप भी यहाँ पूरे दिन देखते रहते हो, ठीक है ना, हमारी क्या हालत ऊपर है, चलो उसको भी छोड़िए, ठीक है ना, देश की हालत क्या है सब लोग जानते हैं, देखते हैं। अब जो सपोर्टर हैं वो तो अपने मुंह से कहेंगे नहीं, ठीक है ना। अब हालत देश की इस टाइम कितनी खस्ता है सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ बस के टिकट के ऊपर बात, बस का टिकट बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी जी ने, आम आदमी पार्टी ने अच्छा नहीं करा, फ्री कर दिया, लोगों की आदतें ख़राब कर रहा है। अगर मैं सामान लेने जाता हूँ घर के लिए तो उसका टैक्स तो होता ही ना लगा हुआ, कोलगेट लेकर आऊंगा। फ्री में कोई चीज बांट देना ये सही है? नहीं मैडम, फ्री कहाँ है, फ्री कोई नहीं देता है महिलाओं के लिए फ्री। मैं एक मिनट वही बोलना चाह रहा हूँ, फ्री केजरीवाल जी की कोई वो नहीं, फ्री देंगे। उसमें क्या है, जो पैसे गवर्नमेंट के उससे बचते हैं। मैं बस कंडक्टर खुद बोलते हैं कि हर बस का टिकट पे जो है केजरीवाल जी 10 रुपये टिकट पे देंगे, ठीक है। क्या केजरीवाल जी अपने घर से देंगे? केजरीवाल ने नोटों की मशीन लगा रखी है? नहीं, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में से पैसे बचते हैं वो इस हाथ से ले रहे हैं, इस हाथ से दे रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है, आज तक किसी पार्टी ने ना करा। राज भारद्वाज, आपसे मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को आप एक राष्ट्रीय नेता के रूप में कहाँ तक देख पाते? नहीं, वो राष्ट्रीय नेता के लिए तो हमें कभी उसका एक मिला नहीं, क्योंकि जो अन्ना के सर पे चढ़ के नाच गया तो उसके ज़्यादा क्या है? रही प्रदर्शन करना, धरना देना, फलाना देना, ढिकड़ा देना, तो ये सब चीज़ें होती आई है, तो वो चीज़ नहीं है। उसने एक पब्लिक में क्या पकी पकाई पे आके बैठ गया और बाकी उसके कोई काम में नहीं है। अब जो ऐसे फ्री का पानी, फ्री का बिजली और ये चीज़ देना, अगर फ्री में घर से भी देने लगे तो घर कहाँ चला जाएगा? हैं, घर में बच्चे को अगर 500 रुपये रोज डेली देने लगे तो घर बच्चा वो क्या इम्प्रूवमेंट करेगा? हैं, वो कहाँ इम्प्रूवमेंट करेगा?
समझे ना। अब रही तीसरा एजुकेशन की, एजुकेशन में क्या हुआ, जो स्कूल है वही इम्प्लीमेंट करे और जहाँ 5 लाख लगे वहाँ 25 लाख का उसने बिल बना के सबमिट किया हुआ है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो कई जगह हेल्थ में भी क्या है, कुछ ही जगह सेंटर खुले हुए हैं, बाकी तो वहाँ पे जो है और जगह सेंटर खोले हैं और खोलने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिला क्या? नहीं, मुझे लाभ लेने की जरूरत भी नहीं है। दिल्ली एक राजधानी है, दिल्ली सबकी है, उसमें हर स्टेट का इस दिल्ली के अंदर बाहर के फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं, बड़े बड़े एम्बेसडर मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो वो क्या है इसके राज्य के दर्जे के नीचे काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये एक सोच तो ये खराब है इसकी, समझे ना। और आगे आने वाले टाइम में है ना पब्लिक बहुत अच्छी देगी, अच्छा देगा, अभी किसको धरना प्रदर्शन मास्टरी, ठीक है लोगों को फ्री में बहुत कुछ अच्छा लगता है, जो मैंने कहा है कि फ्री में अगर घर भी देने लगोगे तो आगे कहाँ घर जाएगा। मेरा नाम रंजीत श्रीवास्तव। रंजीत जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए दिल्ली सरकार से कितना संतुष्ट है आप, एक जनता एक आम नागरिक होने के नाते? 0% अब आप पूछिए तो देखिए, तो पिछले 5 साल में उन्होंने जो जो कमिटमेंट करके आया था, आप पहला ही कमिटमेंट देखो कि हम जन लोकपाल इसी रामलीला ग्राउंड में चिल्ला के पास करो जन लोकपाल पर कभी 5 साल में आपने कोई चर्चा सुना उनका? नहीं सुना ना। उन्होंने 5 साल पहले जो आए थे कि जी उनकी जो ये घोषणाएं थी कि जो जो एमएलए हैं जो हमारे मिनिस्टर हैं सारे लोग अपने आवास से काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, उन्होंने कुछ आम्बी से आए तो बाई मेट्रो आए और एक सिसोदिया वाली छोटी सी कार लेके आए और सारे एपिसोड ड्रामे किए। ब्लू लाइन बसों की आतंक हुआ करती थी दिल्ली में, तो गवर्नमेंट ने डीटीसी लाई, ठीक है जी। अब डीटीसी ऑलरेडी घाटे में जा रही है और डीटीसी को आप क्या करोगे कि फ्री कर दोगे, और घाटे में जाएगी, जब बेचने बिकने के कगार पे आ जाएगी तो बोलेगा केजरीवाल, बोलेंगे कि मोदी जी तो कुछ कर नहीं, हमें पैसा ही नहीं, हम क्या करें। फिर डीटीसी बिक जाएगी, फिर वही ब्लू लाइन की दौर आएगी सड़कों पर और फिर लोग मरने के लिए तैयार रहेंगे, ये सिचुएशन केजरीवाल कर रहे हैं दिल्ली में। मैडम आम आदमी बहुत मुश्किल आएगी इस समय, आप समझ लीजिए इतनी प्रॉब्लम है हर चीज़ की प्रॉब्लम है। आप सही, खाली फ्री करने से कुछ नहीं होगा कि आपने बस में फ्री कर दी या बिजली का बिल माफ़ कर रहे हो, उससे नहीं होगा, और भी चीज़ें होती है जो देश की तरक्की चीज़ें विकास के लिए चाहते हैं। अब उन्होंने बोला था कि 500 स्कूल बनाएंगे हम, आप एक पूरी दिल्ली के अंदर एक स्कूल बताइए कहाँ स्कूल बनाए। अब खाली आप जो बिल्डिंगें पड़ी होती हैं उनको खाली पेंट करने से पॉइंट करने उससे तो नहीं होगा ना कुछ भी, नए स्कूल आप एक स्कूल तो बता दीजिए कि कहीं बना है, तो मेरे को तो आज तक दिखा नहीं कहीं पे भी। एजुकेशन को लेकर के जो भी दावे करते हैं उनको आप खारिज कर रहे हैं, उसके अलावा क्या समस्याएं हैं? देखिए उन्होंने बोलता कि जो भी प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस कम होगी, आप बताइए एक भी पूरी दिल्ली के अंदर किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है पहले से ज्यादा। बिजली पानी सस्ता है उसके लिए मना नहीं है, लेकिन उसके उससे खाली काम नहीं हो सकता ना, खाली बिजली पानी का आप फ्री करते हो या करते हो, एक्सपेक्टेशंस और हैं बहुत सारे हैं। जी जी काफी हद तक अगर उन्होंने काम किया है तो आपको नहीं लगता है कि अभी वो कुछ और भी शायद अगली बार अगर आते हैं तो कुछ और करेंगे? मैडम जी जो दिल्ली के अंदर अभी तक सही से पानी नहीं दे पा रहे, आप आज सुबह की बता रहा हूँ मैं, पानी नहाने के लिए पानी इतना गंदा पानी आया कि बदबू से बहुत, पीना तो बहुत दूर है नहाने का भी दिल नहीं करा। आप ये देख लीजिए पानी की समस्या सबसे ज्यादा है हमारे एरिया में, तो पूरा पानी बहुत गंदा आ रहा है इसमें।